उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की संवेदनहीनता ने मानवता को शर्मसार कर दिया। बस से सफर कर रहे दंपत्ति में से युवक की मौत होने पर बस के चालक और परिचालक ने रास्ते में ही पत्नी को शव के सहित जबरन सिर्फ उतारा ही नहीं बल्कि उसका टिकट भी छीनकर रफूचक्कर हो गया। ये दंपत्ति जनपद बहराइच से राजधानी लखनऊ अपने कैंसर से पीड़ित रिश्तेदार को देखने जा रहे थे। मामला बाराबंकी जनपद के रामनगर चौराहे का है, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बस से एक महिला को उसके पति के शव के साथ जबरन उतार दिया गया। बस चालक और परिचालक ने किसी तरह का कोई सबूत ना रहे इसके लिए उनसे टिकट भी छीन लिया। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक ये बस लोगों की आंखों से ओझल हो चुकी थी। सड़क के किनारे अपने पति का शव लेकर बेसहारा खड़ी इस महिला ने बताया कि वो और उसके पति लखनऊ में अपने कैंसर पीड़ित रिश्तेदार का हालचाल जानने के लिए जा रहे थे। जब वे बहराइच से बस में सवार हुए तो उसके पति ठीक ठाक थे, रास्ते में उनकी हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। इसकी जो है जांच करा करके मतलब पता किया जा रहा है। बहराइच डिपो से सफर करके तो घटना की जानकारी मिलते ही पूरी जो है पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी और चालक परिचालक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी को देखने जा रहे थे? हाँ, भाई का देखे जाए। बीमार थे वो? हाँ, बीमार थे, कैंसर रहा है भैया। अच्छा, इनकी मौत हार्ट अटैक से काहे से हुई, कैसे हुई कुछ बता? अभी हमका कब्बो दर्द नहीं भयो, बस में ही मौत हुई। हाँ, बस में मौत। बस उतार दिया? हाँ, बस। क्या टिकट नहीं लेन?